तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं तेरे। सो गाइस कैसे हैं आप सब, दिखाई थी सो अभी मैंने जो आपको क्लिप दिखाई थी वो है एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मार्वी मेमोन, नाम ही बड़ा अजीब है। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आप इसको मारने के चक्रों में रहोगे, ये पक्का है। सो लेट्स स्टार्टेड। तू क्या समझता है बूढ़ी, तेरे भारत के टुकड़े करूंगी मैं, तेरे भारत के इतने टुकड़े होंगे, नागालैंड खालिस्तान आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा। तू सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा है, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, तेरी औकात तेरे तिरंगे की औकात ये है, तेरे तिरंगे की औकात ये है, मेरे कदमों में है, हम पाकिस्तानियों के कदमों में है तेरा तिरंगा, और तेरी औकात ये है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के झंडे की उसके ऊपर बकवास करते हैं, आसिफ अंद्राबी ने अगर झंडा लहराया है कौमी तराना पड़ा है, तू इस तिरंगे को लहराना चाहता है? आज कश्मीर में हमारा परचम लेके जो है शहीद हो रहे हैं लोग, हमारा परचम लेके पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, हमारा परचम लेके वो शहीद होते हैं और इसी में ही इसी को कफन बना के लपेट के दफन होते हैं। तेरी क्या औकात है? तेरे तिरंगे की ये औकात है, तेरे तिरंगे को मैं ये जानती हूँ, और जितने टुकड़े मैं ऐसे कर रही हूँ भारत के टुकड़े इतने होने हैं इंशाल्लाह, भारत इंशाल्लाह इतने ही टुकड़े होंगे और भारत को इंशाल्लाह हम आग लगाएंगे। ये ना समझ मेरी जुरत है, इंशाल्लाह मैं तेरे तिरंगे को ऐसे ही आग लगाऊंगी, तेरे मुल्क के भारत को भी ऐसे इतने ही टुकड़ों में करूंगी। तुम लोग दहशतगर्दी करो, उसके बाद तुम लोग प्रचार करो हमसे, तुम हमसे बात करो इंसानियत की, तुम हमसे बात करो अच्छे अल्फाज। सो गाइस ये औरत बोल रही है कि हमारा इंडिया का झंडा इसके पैरों के नीचे है और कश्मीर तो अभी तक आजाद नहीं है। एकदम मैडम का तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी शादियों की जो हो चुकी है। पर क्या तू बोले यार इतना प्योर हिंदी, चलो बर्बाद नहीं है, मतलब मैडम का भूगोल बिल्कुल ही खराब है। कब का आजाद हो रखा, पाकिस्तान भी आजाद है, हम भी आजाद है, और इसने हमारे इंडिया का झंडा भी जला दिया, पता नहीं क्या बड़ा सार खींचे, और मोदी को मोदी बोल तो रही है। कैसे हैं आप, ध्यान से सुनना, जब मैंने फर्स्ट वाला लगाया तो आज हम बात करने वाले हैं so, कुछ ऐसे। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी नहीं करती, हर झंडे की इज्जत करनी चाहिए चाहे वो कहीं का भी हो, ये मेरा मानना है। आपको क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को इतना फैलाना।